मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए बहन जी आपकी इजाजत दरकार है सोच रहे हैं कि कल वापस चलें खाला शासाई आखिर सबको अपने अपने घर जाना ही है जो तो सानू बेहतर लगे मैं कह रही थी अगर आप इजाजत दें तो माही को हम अपने साथ माही अपनी इद्दत इतनी पूरी करेगी आगे उसकी मर्जी पर मेरे को शरीकों को भी जवाब देना है ना हाँ हम ये बात समझते हैं बहन जी माहे आपके खानदान का एक फर्द है इसीलिए आपकी इजाजत दरकार है असल में माही की ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि उसे अकेले छोड़ा जा सके बहुत डर गई है तैमूर के हादसे ने उसे मेरा तैमूर हादसे से नहीं मरा हादसा नहीं सी हो कत्ल हो उदा किसी की दुश्मनी की भेंट चढ़िया मेरा पुत्र उसके कत्ल को हादसा ना हो तो चंगा होगा आप ठीक कह रही हैं बहन जी लेकिन तैमूर सिर्फ आपका बेटा नहीं था वो हमारा भी बेटा था हमारी बेटी का सुहाग उसका हम सफर ये दुख हम दोनों खानदानों का साझा है अगर हम एक दूसरे के दुख को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा अगर साढ़े सारे तक हम साझा है शाह साईं तो फिर मेरे को गम मनाने के लिए अकेले क्यों छड़ के जा रहे हो मेरी नूह को मेरे ना गम मना दो ना शाजी मैं कह रही थी एक बार माही रानी की मर्जी भी मालूम कर लेते पूछ लेते उसका क्या फैसला है हाँ
मेरा भी अभी यही फैसला है। मैं यही रहूंगी। आप लोगों ने अगर वापस जाना है तो आप लोग चले जाएं। यही मेरा घर है। तैमूर की बेवा हूं मैं। अपनी इद्दत इसी हवेली में गुजारूंगी जहां मेरा शौहर रहता था। बड़ी मुश्किल से मर्दाना डब्बे के टिकट मिले। जनाना डब्बा तो भरा पड़ा। ये सामान रखो जल्दी से। क्या फर्क पड़ता है, हमने तो घर ही पहुंचना है। चलें अब ट्रेन निकल रही है। चलो क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से? तैमूर की बेवा की हैसियत से। क्यों, ऐसी भी क्या मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, सजा है ये मेरी। मुझे यूं ही इधर बदर होना था। अब उम्र भर मुझे अपनी ये सजा इसी हवेली में गुजारनी है। ये पागलपन है और मैं तुम्हें इस दीवानगी की इजाजत नहीं दे सकती। अब मुझे होश और जुनून से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीवानगी है, दीवानगी ही सही। ये 3 दिन नहीं थे, ये 3 सदियां थी जो मैंने इस हवेली में गुजारी। बस रिदा, जाकर अम्मी को बता दो कि मैं अब यहीं रहूंगी। मुझे कोई मनाने की कोशिश ना करे। Oh,
रहे हो? ओए, तुझसे पूछ रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जरा पीछे होके खड़ा हो। तुम हम अकेली ऑटो को देख के डब्बे में घुस आए हो? अरे क्या पटर पटर देख रहे हो? कभी कोई औरत नहीं देखी क्या? अरे बहन क्या हुआ, क्या मसला है? अरे भाई देखो तो, पता नहीं कौन शख्स है अकेली ऑटो को देख के डब्बे में चढ़ गया। वो तो खुदा का शुक्र है मेरी आंख खुल गई, गंदी नीयत थी इसकी। देखो कैसे घूर रहा है। अरे पकड़ो भैया इसको। अरे रोक, जाता कहाँ है और तेरे हाथ में क्या है? खोलो इसे। हाय मेरे खुदाया, इसने जरूर मेरी कोई चीज चुराई होगी। आप अपना जेवर और सामान वगैरह चेक कर लें, ये कहीं नहीं भागता। अरे भाई देखो अपने अपने बैग देखो, क्या चुराए इसने? क्यों तमाशा कर रही है? अरे तुम नहीं जानती ऐसे लोगों को। मुझे लगता है इसने जरूर हमारा कोई जेवर चुराया है। मैं इसे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगी। खोले इसका हाथ, खोलो मुट्ठी, खोलो। यहाँ बैठ जाइए, ये जगह खाली है। रोमाना आ जाओ, बस अब बैठ जाओ यहाँ पे। अरे क्यों तुम परेशान हो रही हो? ये तो पागल है। आ जाना, बैठो। भाई बेहद लापरवाह लड़कियां हो तुम लोग, हर चीज पर मैं ही नजर रखूं। पता नहीं इस हवेली को किसकी नजर लग गई, भरा पूरा घर था, एक पल में उजड़ गया। तौबा तौबा, लगता है ये पीरजादी मनहूस है। शादी के पहले दिन ही कड़ियल जवान शहजादों जैसा खामद खा गई। तौबा, सुने काजम शाह अपनी बेटी साथ ले जाना चाहते। जाहिर है कौन नुकसान में साझेदारी करता है किसी से, बेवा बनाकर थोड़ा इसे बिठाएंगे यहाँ, शादी करके दूसरा घर बसाएंगे इसका। माही, इनकी बातों में ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? ये जाहिल औरतें हैं बिल्कुल। ऐसे हम पर उस लोगों की बातें सुनने का कोई फायदा नहीं होता। Thank you.
और अगर मेरा दिल जीतना था तो ओहदा, नाम, मर्तबा और जागीर लेकर आते। इस खाली नकारा मुफलिस दिल का क्या करना है मुझे? मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाएगा और जमीन पर मेरे लिए महल, इज्जत, दौलत, मर्तबा और अपने ऊंचे खानदान का नाम भी देगा मुझे। तुम बताओ, तुम क्या दे सकते हो मुझे इस सब के बदले? लगा दे आपका लड़ी का, बस ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा बिगड़ जाए और मेरी दुल्हन मुझे देखकर हंस पड़े। मेंढा है, गोद
ते मेंढी उजड़ी है, हवेली ते मेंढी वीरान हुई है। देखे तो देखो तो आज नहीं तो कल दूजा खसम मिल जासी। मैं अपना पुत्र किधर लिया सा? निकाह के दो बोल जो दो इंसानों को एक करते हैं, वो ताल्लुक कई बार मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। माँ जी मेरा रिश्ता जो तैमूर के साथ जुड़ना था वो जुड़ चुका। अब वो नहीं तो कोई भी नहीं। तेरे बाप और पराह की दुश्मनी की नजर हो गया मेंढा पुत्र। सवेरे तेरे माँ प्यो जा रहे हैं, तू नाल नहीं जाना। आप फिक्र ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी में आने वाला हर दिन अब मेरे शौहर की इद्दत के नाम का होगा। जो मैं यही उसके घर में गुजारूंगी। अरे रुमाना उठ जाओ, मुल्तान आ गया। चलो भाई मैं जल्दी से कोई कुली देखूं, सामान उतरवाऊं। सामान समेटो भाई, सब लोग अपना अपना, जल्दी जल्दी। अरे कोई है भाई? अरे भैया सुनो। अरे हाय ना मेरी बच्ची, ना मेरी रानी, अब भी वक्त है, चल वापस चल हमारे साथ। तो मुझे इसी आग में जलना है। मैं किसने कह दिया ये? किसने कह दिया? जो हुआ उसमें तेरा कोई कसूर नहीं था, जो होना था हो गया। बस कर, छोड़ दे अपनी जिद। तेरे भाई की, तेरे बाबा साईं की भी यही मर्जी है, वापस चल हमारे साथ। रहम कर खुद पे। आप कैसे भूल सकते हैं मम्मी? कैसे भूल सकते हैं तैमूर? तैमूर ने मेरे भाई की दुश्मनी का खामियाजा भुगता है, हमारी वजह से उसकी जान चली गई। अब बदले में अपनी बेटी का खिराज तो देना ही पड़ेगा आपको। बस मैं वही खिराज, वही तावान अदा कर रही हूं मम्मी। आप फिक्र ना करें, आप बस घर वापस चली जाएं। सब लोग रवानगी के लिए तैयार हैं सरकार, बस आपका इंतजार हो रहा है। हाँ जाओ जाओ, आती हूँ मैं। जी फिर से सोच ले मेरी बच्ची, वापस चल हमारे साथ।
ना कर, ना ना कर। चौखट से अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। ख्याल रखना बेटे, बहुत बड़ी है जिम्मेदारी का पत्थर खुद पर रख लिया है तूने। इसके बोझ को बर्दाश्त करना भी तेरी जिम्मेदारी है। इस हवेली में तू यहां की इज्जत और बहू बनकर आई, इस खानदान का मान वकार अब तेरे हाथ में है। मुझे यकीन है इस बात का बेटा, तू हमें शर्मिंदगी का मौका कभी नहीं देगी। बहादुर बेटी है मेरी, बहादुर। बहादुरों वाला फैसला किया है तूने। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुझसे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रब रखा पुत्र। इजाजत दें जागीरदारनी जी। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको हौसला दे। खैर ना जाओ, रब रखा।
हम आसान इस वक्त शदीद गम और ज़हनी दबाव का शिकार है, तुम बुरा मत मनाना। चलो अंदर चलो। कुछ थकावट उतरी? जी बड़ा जी घबरा रहा है मेरा। वैसे ये सब आपको रात को नहीं करना चाहिए था। भाई मुझे क्या पता कि वो कौन है। जिस तरह से वो आधी रात को हमारे सरों पे खड़ा हमें घूर रहा था, मुझे तो यही लगा कि वो कोई चोर उचक्का ही होगा। वो जो भी था वो नहीं था जो नजर आ रहा था। काश मैं रात को ही उससे बात कर लेती। कोई मजनू दीवाना सा लग रहा था मुझे तो। उसके आंसू बहते देखकर मेरा तो पूरा वजूद ही हिल गया था। बस भाई मुझे डराओ मत रुमाना बेगम, मैं पहले ही दिल दुखाने की सजा से बहुत डरती हूँ, और फिर ऐसे मजूब की बद्दुआ, मैं तो इसी जुमेरात पीर साईं के मजार पे जाके न्याज दूँ, और कफारा भी। तुम भी साथ ही चलना। एक कप चाय ले आना। लेकिन पहले मैं साईं सिकंदर की हवेली जाऊंगी। इस वक्त तो इनको होश ही नहीं होगा यहाँ आने का। मैं खुद ही हवेली जाके पुरसा दे आती हूँ। तुम हवेली कैसे जा सकती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम जैसी ऐसी ऊंची और इज्जतदार जगहों पर जाने पर ममानियत है। बस चंद घड़ियों के लिए जाना चाहती हूँ, चाहे दरवाजे से ही लौट आऊं, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। आप मेरी बात समझिए। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ इंतजाम। माई सुगरा को साथ लेकर जाना, अकेली मत जाना वहां, ज्यादा देर मत रुकना। नीचे आ जाओ, नाश्ता लगवा रही हूं। आप कुछ ज्यादा फ्री नहीं और हैं? हाँ तो क्या हुआ? हाँ क्या मेरा? क्योंकि आज से आप मेरी हैं।
तन झूम झूम।